मूर्ख बगुला जंगल के एक बड़े वृक्ष के खोल में बहुत से बदले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों को खाए जाने पर बहुत दुखी होकर नदी के किनारे आ बैठ। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे, मामा क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तभी बगुले ने कहा, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय नहीं सूझता। किस प्रकार सांप का नाश किया जाए, तुम ही कुछ उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्म बेरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वह सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के साथ उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला।